बिजली विभाग की मनमानी का विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी नेता अधिवक्ता विजय मिश्रा के समर्थन में जबलपुर की टीम ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने सहित कई अन्य समस्याओं को लेकर व्यंकट भवन के सामने अधिवक्ता विजय मिश्रा विगत कई माह से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस की टीम विगत दिनों पहुंची और आश्वासन दिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते विजय मिश्रा का यह आंदोलन अब पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं, जबलपुर की टीम ने विजय मिश्रा का समर्थन करते हुए प्रदेश सरकार पर क्या निशाना साधा है। आज जिस प्रकार से रीवा टीम बिजली की अन्यायी अत्याचारी अवैध वसूली के विरोध में 201 दिन से बैठी है और वहां का शासन प्रशासन बिजली कंपनी को बचाने के लिए हावी है, उनको शर्म नहीं आती। ठंड हो चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, मेरे सब अधिकारी खराब नहीं है, सर कर्मचारी खराब नहीं है, लेकिन 201 दिन पूरे सबूत लेके बैठी हमारी रीवा टीम और कार्रवाई नहीं होती है। पूरे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी आज जैसे जबलपुर के साथियों के साथ आज जबलपुर में रीवा टीम के समर्थन में आज मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन दे रही है। इसी प्रकार से यदि तत्काल रीवा टीम की मांग पूरी नहीं होती और वहां के अधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज नहीं होती तो इसको पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग उठाएंगे। नायब तहसीलदार जबलपुर को आज ज्ञापन दिया गया है और हमारे जबलपुर के पदाधिकारी पंचम झा जी और घनश्याम जी, जानकी ठाकुर।